हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बाजार के घंटों के दौरान लाइव अपडेट के लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पर स्टॉक मार्केट एसटीवी सर्च करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। स्टॉक से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप हमारे ट्विटर पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ने के लिए आप अपने ट्विटर पर स्टॉक मार्केट एसटीवी सर्च कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक कोल इंडिया लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को 282.10 रुपए पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 19.08% यानी कि 45.20 रुपए बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 284.45 रुपए है और 52 वीक लो 207.60 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 227 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 288.10 रुपए, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 295.90 रुपए और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 303.40 रुपए। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 279.25 रुपए, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 273.80 रुपए और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 261.60 रुपए। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को 2,901.60 रुपए पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 7.38% यानी कि 199.50 रुपए बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2,928.70 रुपए है और 52 वीक लो 1,797.40 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 2,689 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 2,927.55 रुपए, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 298.15 रुपए और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 390.35 रुपए। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 2,753.45 रुपए, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 2,689.10 रुपए और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 2,636.10 रुपए। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को 1,262.05 रुपए पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 6.43% यानी कि 76.25 रुपए बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,269.55 रुपए है और 52 वीक लो 882 रुपए है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,233 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1,271 रुपए और 45 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1,310 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1,355 रुपए और 45 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,233 रुपए और 30 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,195 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,145 रुपए और 40 पैसे। अगर यह स्टॉक यहाँ से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को 361 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.16% यानी कि 17 रुपए और 75 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 397 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 288 रुपए और 5 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 340 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 370 रुपए और 75 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 379 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 394 रुपए और 80 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 355 रुपए और 20 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 343 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 327 रुपए और 60 पैसे। अगर यह स्टॉक यहाँ से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवां स्टॉक NTPC लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को 240 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 4.14% यानी कि 9 रुपए और 55 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 243 रुपए और 60 पैसे है और 52 वीक लो 155 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 229 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 242 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 248 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 255 रुपए और 50 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 229 रुपए और 10 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 222 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 216 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक यहाँ से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इनमें कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।